हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज क्लास फोर्थ और हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आपका सेकंड लेसन चल रहा है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। यू नो वेरी वेल देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट इज असर्टिव, सेकंड इज इंटरोगेटिव, थर्ड इज इंपरेटिव एंड फोर्थ इज ऑब्जेक्टिव एंड फिफ्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कल हमने असर्टिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कर लिया था। इससे आगे आज का डिफाइंड इंपेरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स। इंपेरेटिव सेंटेंस का मीन्स होता है अज्ञार्थक वाक्य। एन इंपेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड। एक जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है वो एक आदेश देता है। क्या देता है? आदेश। अ सजेशन, एक सुझाव देता है। गिव्स एन एडवाइस, एक सलाह देता है। और मेक्स अ रिक्वेस्ट, और एक प्रार्थना करता है। उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर हम कैसे कहते हैं? अभी हम कहते हैं दरवाजा खोलिए, ओपन द डोर, आराम करिए, टेक रेस्ट, अपने बाएं चलो, वॉक टू द लेफ्ट, प्लीज गिव मी वॉटर, मुझे पानी दीजिए, कृपया मुझे पानी दीजिए, ओपन योर आईज, अपनी आंखें खोलो। तो ये हमारे क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव जो सेंटेंस होता है उस वो मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। मेन वर्ब खाना पीना सोना जगना उठना बैठना नहाना, और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस क्या आता है? फुल स्टॉप। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो सब्जेक्ट छिपा होता है, यू सब्जेक्ट छिपा होता है, यू अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है। आप यहां से देख सकते हैं, ओपन योर आईज, तो ये पसेसिव प्रोनाउन है, तो ये यू के साथ अपने की इंग्लिश क्या आती है? योर। आप ये देख सकते हैं यहां से, जो अंडरस्टूड सब्जेक्ट है वो हमारा यू है। आगे ये आपका वर्क है, होमवर्क में अपनी फेयर नोटबुक में इसको राइट करना है और लर्न करें और रिपीट करें। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा, सेकंड लेसन जो चल रहा है उसको कंप्लीट फेयर नोटबुक डेली जो होमवर्क करा रहे हैं रेगुलरिटी के साथ उसे करना है आपको। आप सभी जानते हैं कि आज का जो टाइम है वो कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है। आपको ये पता होगा कि हमारे ही नियर बाई होम टाउन में कोसी कला में दो जो डॉक्टर दंपत्ति, डॉक्टर अनुराग और सीमा अग्रवाल जो थी, वो कोरोना पॉजिटिव मिले थे। तो आपके घर से कितनी दूर है आप देख सकते हैं। इसलिए आप सभी को घर पर रहना है, घर पर रहना है और अपनी जो स्टडी है उसको ऑनलाइन, उसका ऑनलाइन स्टडी आपको गेन करनी है। इट मीन्स आपको ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली लेनी है और बाहर नहीं निकले। आप सेफ रहेंगे तो आपका जीवन सेफ है, जान है तो जहान है। कहने का मीन्स ये है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।